हाय फ्रेंड्स, आज हम पेंड्रम प्लस क्रीम का रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे स्किन शाइन और स्किन लाइट क्रीम के, जिसे आप लोगों ने बहुत लाइक किया था। ये दोनों हाइड्रोक्विनोन मोमेंटेशन क्रीम थे जो स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने मेरे रिव्यू को काफ़ी हद तक सही माना था। उसी में मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे पेंड्रम प्लस के बारे में पूछा था कि ये क्रीम कैसी है, सेफ है कि नहीं, इसमें हाइड्रोक्विनोन नहीं है, फिर भी ये स्किन को गोरी करती है कि नहीं। ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने की सोची है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पेंड्रम प्लस क्रीम। ये इस वाइट कलर के कार्टन बॉक्स में आती है जिसे मैकलोड्स ने बनाया है। इसके इस 15 ग्राम के क्रीम का प्राइस यहाँ 67 रुपीस है। इसकी वैलिडिटी 24 मंथ की रहती है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ऑफ्लोक्सिन, ओनिडजोले, टेरेमिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोबेटसोल प्रोपोनेट क्रीम डाला गया है। इसमें हाइड्रोक्विनोन मोमेंटेशन क्रीम नहीं है, यानी कि ये हाइड्रोक्विनोन क्रीम नहीं है। फिर भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब इसके बॉक्स को खोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पेंड्रम प्लस क्रीम जो कि इस वाइट कलर की ट्यूब में आती है। इसकी पैकेजिंग तो अच्छी है। इसका ये कैप खोलने पर आपको यहाँ पे ये सिल्वर कलर की सील दिखाई देगी, जिसे आप मेडिकल स्टोर से चेक करके ले सकते हैं। अब हम इसके इस सील को तोड़ते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रीम वाइट और हल्के ग्रे कलर का दिखाई देता है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग तो नहीं, हल्की केमिकल की स्मेल आती है। इसे स्किन में लगाते समय ये बहुत जल्दी से स्किन में समा जाती है और स्किन को टच करने पर स्किन स्मूथ लगती है, थोड़ी स्मूथ जैसी लगती है। तो दोस्तों, इसे नाइट में सोने से पहले लगाया जाता है और ये अगले दिन सुबह अपना रिजल्ट देना शुरू करता है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्रीम आपको सिर्फ मंथ के अंदर बहुत ही गोरी बना सकती है। ये आपको ऐसी रंगत देती है कि आपको अपने चेहरे से प्यार हो जाएगा। ये स्किन में रहे एक्ने मार्क्स, पिंपल्स मार्क्स, पिंपल्स स्कार्स, बर्न स्कार्स को सिर्फ 2 वीक में क्लियर करके आपको बेहद ही आकर्षक और गोरी स्किन प्रदान करती है। लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि इसमें हाइड्रोक्विनोन और मोमेंटेशन नहीं है, फिर भी इसके साइड इफेक्ट स्किन लाइट स्किन शाइन क्रीम जैसे ही है। अब आप पूछोगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं, ये एक स्टेरॉइड क्रीम है। स्टेरॉइड का मतलब बहुत जल्दी जवा करने वाली क्रीम, जो हमारे स्किन के लिए बहुत हानिकारक मानी जाती है। अगर आप इसे फेयरनेस यानी कि गोरे होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये क्रीम फेयरनेस के लिए नहीं है। अगर आप इसके इस बॉक्स में देखें तो इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसे फेयरनेस के लिए यूज़ करना है। अगर ये इतनी ही अच्छी फेयरनेस क्रीम होती तो यहाँ ज़रूर फेयरनेस क्रीम लिखा होता। एक्चुअली इसे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर इसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ऑफ्लोक्सिन और अनिडजोले ये बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है और टेरेमिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड को फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्लोबेटसोल प्रोपियोनेट क्रीम है जो कि बहुत ही पावरफुल स्टेरॉइड है, जिसकी वजह से स्किन 2 वीक में ही बहुत गोरी और जमा बन जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको 1 मंथ यूज़ करने के बाद दिखने लगते हैं। इस क्रीम को यूज़ करने से स्किन रेडनेस की समस्या होती है। बहुत से लोगों को इसे यूज़ करने से चेहरे पर हेयर ग्रोथ की समस्या भी सामने आई है,
इसे ज़्यादातर एडल्ट और फीमेल फीमेल फेयरनेस के लिए यूज़ करती है। ये गर्ल्स के लिए बहुत ही रिस्की मानी जाती है। इसे यूज़ करने से चेहरे पर बाल आने के भी चांस रहते हैं। इसे बंद करने पर चेहरा पहले से भी ज़्यादा काला और डरावना बन जाता है। स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स, दाग, धब्बे दिखने लगते हैं, जिसे ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। कोई भी स्टेरॉइड क्रीम स्किन के लिए सेफ नहीं मानी जाती है। इसे कोई भी डॉक्टर स्किन के लिए नहीं देता है, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वाले अपने फायदे के लिए इसे फेयरनेस क्रीम कहकर बेचते हैं, जबकि ये फेयरनेस क्रीम नहीं है। इसलिए आई डोंट रिकमेंडेड एस फेयरनेस क्रीम। अगर आप इसे यूज़ कर चुके हैं और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको किसी अच्छे स्किन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आपने बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% जेल को डेली पिंपल्स में लगाना चाहिए। अगर इसे यूज़ करने के बाद आपको रेसेस की समस्या होती है, तो आपने मेट्रोनिडाज़ोल जेल को यूज़ करना चाहिए। फिर भी आप अपने स्किन डॉक्टर से एक बार पूछ लें, उसके बाद ही इसे यूज़ करें। दोस्तों, अगर आप इसे गोरेपन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, इसके बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इसे ना ही यूज़ करें और ना ही किसी को यूज़ करने दें। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो अभी स्टॉप कर दें, वरना आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये था हमारा रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अधिक प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।